लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, अंडर आर्म्स का कालापन हो सकता है डायबिटीज का संकेत। तुरंत अपना ब्लड शुगर चेक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शरीर की साफ सफाई रखना बेहद जरूरी होता है। कुछ लोग चेहरे और हाथ पैर की सफाई तो अच्छे से करते हैं, लेकिन अंडर आर्म्स की सफाई करना नज़रअंदाज कर देते हैं। इससे अंडर आर्म में कालापन आ जाता है। ये कालापन एक प्रकार की डायबिटीज का संकेत भी हो सकता है। अंडर आर्म्स में ब्लैकिश पिगमेंटेशन होना डायबिटीज का सामान्य लक्षण है। डायबिटीज होने पर त्वचा पर कुछ बदलाव दिख सकते हैं, जो कई बार सामान्य होते हैं, इसलिए लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आपके अंडर आर्म्स, गर्दन, ग्रोइंग एरिया या फिर टेम्पल्स में डार्कनेस यानी कालापन है, तो ये डायबिटीज की ओर इशारा कर सकता है। इस स्थिति में बिना देरी किए हुए अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराने के साथ ही साथ डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। इसे नजरअंदाज करना कई बार अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का शिकार हो सकता है। क्यों होती है यह समस्या, वो भी आपको बता रहा हूं। यह सुनने में भला ही थोड़ा अजीब लगे कि त्वचा के कुछ हिस्सों का कालापन डायबिटीज का कारण कैसे बन सकता है, लेकिन ऐसा वास्तव में है। दरअसल ये स्थिति तब होती है जब आपके खून में इंसुलिन की मात्रा अधिक होती है। यह प्री डायबिटीज के एक संकेत हो सकते हैं। मेडिकल भाषा में इसे एकंथोसिस के नाम से जाना जाता है। पीसीओएस में भी ये समस्या हो सकती है। इस समस्या का पता लगाने के लिए HbA1c, ब्लड शुगर, इंसुलिन और लिपिड प्रोफाइल की जांच की जाती है। आमतौर पर यह समस्या गलत लाइफस्टाइल फॉलो करने पे या फिर खराब डाइट लेने से होती है। कैसे करने बचाव इससे? लाइफस्टाइल में सुधार करके इस समस्या से बचा जा सकता है। इससे बचने के लिए एक्सरसाइज करें, जिसमें आप एरोबिक्स और ब्रिस्क वॉकिंग आदि कर सकते हैं। इस समस्या से बचने के लिए आप हाई फाइबर फूड्स खाने के साथ ही लो शुगर डाइट लें। ऐसे में आपको मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन के सामने भी ज़्यादा समय बिताने से बचना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।